साथियों नमस्कार दोस्तों, मैं अभय राठौर, हमारे यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन अभय राठौर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनेगा और देखेगा, आपके लिए बहुत ही बड़ी शानदार अपडेट आ रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल लेवल की, तो मैं आपको आपके लिए बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन बताने वाला हूँ, यदि आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो। चलिए ध्यान से सुनेगा। अब आती है दोस्तों वैकेंसी की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उससे पहले चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ छात्रावास भर्ती की अपडेट आ चुकी है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप 10वीं 12वीं पास है तो आपके लिए नोटिफिकेशन अवेलेबल है। अब कैसा है देखिए दोस्तों, और दोस्तों 12वीं पास है तो साथ साथ आपके पास कंप्यूटर का डिग्री होना चाहिए, तभी यह वैकेंसी आपके लिए अवेलेबल है। और ऐसा नहीं है कि जिनके पास कंप्यूटर का डिग्री नहीं है तो इस वैकेंसी में फॉर्म नहीं डाल सकते, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप फॉर्म डाल सकते हो, जैसे कि आपकी ड्यूटी लगती है उसके बाद भी आप, ड्यूटी लगने के बाद भी आप सब प्रक्रिया में पास हो जाते हैं, उसके बाद भी आप कंप्यूटर की डिग्री संस्था को दे सकती है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक के लिए वैकेंसी है, हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है। और देखिए दोस्तों, हिंदी में इसको छात्रावास बोलते हैं, इंग्लिश में हॉस्टल वार्डन बोलते हैं, तो आपका तैनाती हॉस्टल में किया जाएगा। और यह वैकेंसी दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगभग 1200 पदों के लिए नोटिफिकेशन आई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ही ये नोटिफिकेशन मेरे पास प्राप्त हुई है, जिस कारण मैं सोचा कि आपको यह वीडियो बता दूँ। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ही शानदार है, इसमें 12वीं पास और कंप्यूटर डिग्री मांगा जाता है। और इसका मैं सिलेबस की बात करूं दोस्तों, जैसे कि आप पटवारी की तैयारी करते हो, पटवारी का जैसा सिलेबस रहता है, पटवारी का जैसे सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, जैसे कि पटवारी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ इसी प्रकार आपका छात्रावास में पूछा जाएगा। बस फर्क यही आ जाता है कि दोस्तों छात्रावास में लेकिन 50 नंबर का इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का हो जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आप कंप्यूटर के क्वेश्चनों में बहुत सारा ध्यान दीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका 12वीं पास और कंप्यूटर डिग्री के साथ आपका वैकेंसी आ रही है, और इसका जब भी नोटिफिकेशन फॉर्म डालने का आता है हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो बने रहे।